हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी ऑनर। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा केक बनाने जा रहे हैं, यानी जेल आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें केक को बेक करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, एक स्टैंड रखा है और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट गर्म कर लेते हैं। केक बनाना है तो हमें केक टिन चाहिए, तो यहाँ मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है और एक बटर पेपर लिया है और इसे हम कुछ इस तरह फोल्ड कर रहे हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल प्लेन पेपर, जो वाइट पेपर होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसे आपको कुछ इस तरह फोल्ड करना है जैसे यहाँ हम फोल्ड कर रहे हैं, तो जितना इसे आप छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करें। इसके बाद इसे हमें काटना है राउंड शेप में, तो इसे हम कुछ इस तरह काटेंगे, यानी टिन के नाप का काटना है। तो जितना बड़ा टिन है उसका आधा हम इसे लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल गोल कटेगा और टिन के नाप का कटेगा। अगर आप भगोने का यूज़ कर रहे हैं तो आप भगोने को उल्टा करके नाप लें और उसके बाद इस तरह आप पेपर को बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे काट लिया है। तो सबसे पहले हमें टिन में ऑयल लगाना है, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ बटर पेपर को सेट किया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। केक बैटर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ली है, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, इसके जगह आप मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही कमेंट आता है कि मैम आप बिना दही के केक बनाएं, तो आज हम दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ चीनी और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी मिला लिया है। अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे, यानी बाउल के ऊपर एक छन्नी रख रहे हैं। इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे, इसी के साथ इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और इन सभी चीज़ों को हम छान कर बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें हम दूध डाल रहे हैं, तो यहाँ हम 1/2 कप के करीब दूध का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1/4 कप दूध डाला है और अच्छे से मिला रहे हैं और इसके बाद 1/4 कप और डाला है, यानी 1/2 कप हो गया। इसी के साथ इसमें हम पाइनएप्पल एसेंस डाल देते हैं, आप चाहें तो वेनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसे मिलाएंगे और एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर में बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखें, और बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं और वैसे भी मैं दही वाले केक में भी विनेगर डालती हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने विनेगर डाला है और यहाँ जो बैटर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे हम केक टिन में डाल देते हैं और इसके बाद इसे हम टैप कर देते हैं। आप चाहें तो इसे ओवन में बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर, लगभग 30 मिनट लगेगा, पर इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे। स्टैंड के ऊपर मैंने टिन को रख दिया है, ढक देते हैं और लगभग 30 से 35 मिनट लगा है इस केक को बेक होने में। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे बेक किया है और यहाँ जो केक है ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। केक को हल्का सा ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद हम केक टिन से केक को बाहर निकाल लेते हैं। तो केक हल्का सा ठंडा हो चुका है, केक को हमें पूरी तरह ठंडा करना होगा और उसके बाद ही हम आइसिंग करेंगे। आप चाहें तो इस केक में, यानी केक बैटर में, आप दही भी डाल सकते हैं अगर आप दही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ जो केक है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। सबसे पहले हम बटर पेपर को निकाल देंगे, इसके बाद हमें केक को ठंडा करना है लगभग 4 से 5 घंटा। आप चाहें तो केक को एक दिन पहले बना लें और दूसरे दिन आप आइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो केक है ये ठंडा हो चुका है, तो सबसे पहले इसकी ऊपर की जो लेयर है इसे हम निकाल देंगे क्योंकि ये हल्की सी उठी हुई है। इसके बाद आप केक को 2 या 3 लेयर में काट सकते हैं, तो इसे हम 3 लेयर में काटेंगे। केक को काटने के लिए आप ब्रेड नाइफ या थ्रेड का यूज़ करें और उसके बाद आपको केक को कुछ इस तरह काटना है, यानी ऊपर एक हाथ रखना है और दूसरे हाथ से आपको केक को काटना है। तो यहाँ हम केक की 3 लेयर कर रहे हैं और केक बेस बहुत ही बढ़िया बना है। इसके बाद हम आइसिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए हैवी क्रीम, जिसे हम व्हिप क्रीम तैयार करेंगे। ये नॉर्मल जो क्रीम होती है, अमूल क्रीम, वो नहीं है। अमूल में भी हैवी क्रीम आती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कई ब्रांड की हैवी क्रीम आती है उसे यूज़ कर सकते हैं। क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक बीटर आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको क्रीम को बीट करना है और इसे डबल से भी ज़्यादा करना है और बिल्कुल थिक करना है, कुछ इस तरह।
क्रीम कैसे बनी है यानी व्हिप क्रीम तैयार है कि नहीं चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है बाउल को कुछ इस तरह पलट दें, क्रीम अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो व्हिप क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी ली है, आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कोई फ्लेवर ऐड करना है, एसेंस डालना है, तो आप इसी समय इसमें डाल सकते हैं, पर यहाँ मैंने नॉर्मल चीनी और पानी का घोल यानी शुगर सिरप बनाया है। तो अब हम फटाफट आइसिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने केक की एक लेयर को लिया है, इसके ऊपर हम शुगर सिरप लगाएंगे। कभी कभी हम ज़्यादा बेक कर देते हैं तो केक बेस जो होता है वो ड्राई हो जाता है, तो उस समय आपको शुगर सिरप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होगा। अगर ड्राई नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट केक बना है, तो आपको शुगर सिरप थोड़ा कम यूज़ करना है। शुगर सिरप मैंने लगा दिया है, अब इसके ऊपर मैंने व्हिप क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। केक की सेकेंड लेयर रख रहे हैं, फिर से शुगर सिरप लगाएंगे और क्रीम लगाएंगे। अगर आपको व्हिप क्रीम कम पसंद है तो क्रीम का यूज़ कम करें, ज़्यादा पसंद है तो आप मोटी लेयर लगा सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर तीसरी यानी आखिरी लेयर रख रहे हैं, शुगर सिरप लगाएंगे। आप क्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं फिलिंग के रूप में। मैंने और जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो और भी आप केक के वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। केक के जो साइड में केक दिख रहा है इसे भी मैंने कवर कर दिया है, यानी अब हमें केक को पूरी तरह क्रीम से कवर करना है। केक को मैंने पूरी तरह कवर कर दिया है और इसके बाद इसके ऊपर हमें जेल आइसिंग करनी है। जेल आइसिंग करने के लिए हमें जेल चाहिए, तो यहाँ मैंने न्यूट्रल जेल लिया है, इसे ग्लूकोज जेल भी कहते हैं और ये आपको बेकरी वाले शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। कुछ इस तरह का गाढ़ा जेल होता है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है और कोई भी कलर नहीं होता है, तो इसमें हम रेड कलर मिला रहे हैं, आप कोई भी कलर मिला सकते हैं। अगर आप जेल कलर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप व्हाइट का बेस बना लें और उसके बाद इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने लिक्विड कलर यूज़ किया है तो यहाँ मैंने व्हाइट कलर इसमें ऐड नहीं किया है। और ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, नहीं तो ये जो केक के ऊपर है स्प्रेड अच्छे से नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ा है तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने केक ले लिया है, केक के ऊपर हम डाल देते हैं जेल को। जेल में आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, लिक्विड कलर ऐड कर सकते हैं और जेल कलर भी इसमें डाल सकते हैं, और इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। साइड में भी डाल सकते हैं, और ये देखिए बोर्ड के ऊपर कलर लग गया है, तो इसे हम बाद में क्लीन कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह का केक तैयार हुआ है। आप चाहें तो सिंपल इसी तरह रख सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर आप फ्लावर बना सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है नोज़ल, ये जो नोज़ल है इससे हम सनफ्लावर बनाते हैं और कुछ इस तरह का फ्लावर बना रहे हैं। आप इसके ऊपर रोज़ लगा सकते हैं, रोज़ बनाकर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा सा सनफ्लावर बनाया है और बीच में हम डाल देते हैं चोको चिप्स। तो ये छोटा सा जो फ्लावर है ये बन गया है। अब हम साइड में बॉर्डर बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने स्टार नोज़ल यूज़ किया है और कुछ इस तरह हम बॉर्डर बना रहे हैं। इस केक के ऊपर आप स्प्रिंकल डाल सकते हैं, बिना फ्लावर और बिना बॉर्डर के भी इस केक को इसी तरह बना सकते हैं। ये जेल आइसिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही आसानी से बनती है। जेल आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यहाँ जो केक है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मैंने सिल्वर बॉल डाल दिए हैं और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा केक बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये केक ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।